अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट इंटरनेशनल राइड मारते क्रैश हो गया। देखो भाई, हम बातों बातों में हम नेपाल आ भी गए, अब काठमांडू कॉल पहुंच जाएंगे। इसको ना हम उठा के इंडा ना लाए ना। जय नेपाल, आई लव यू पूजा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने काठमांडू। हमारे सामने ना सेनोरी देखो पूरा चाप के भगा रहा है गाइस। हेलो, इट्स ओके, कोई ना कोई ना, धीरे से जाना आराम से, कोई नहीं। ओके पापा जी, ये कौन सा जगह है इतना खूबसूरत? फर्स्ट नेपाल एपिसोड में ही अपने सेनोरी तक खराब हो गए। और गाइस, क्या ये नेपाल फर्स्ट एपिसोड वीडियो पे 50 के लाइक्स हम कर पाएंगे? काफी डरावना जंगल है यार, कब खत्म होगा ये? इतना अच्छा राइड चल रहा था, सेनोरी तो देखो ना बार बार क्या हो रहा है, सांस लेना ही बंद कर रहा है। जिंदगी के खोज में निकले गाइस, देखते हैं कहां तक जाता है, वहीं तक हम जाएंगे। तकलीफ दे रहे हम आपको, खराब हो गया पलक का गुला, खराब हो गया बन रहा है मेरे हाथ में, देख रहे भाई पूरा का पूरा नेपाली करेंसी। काठमांडू तक नहीं जाएगा गाड़ी, ये पैसे लेके थमेल जाते घूमने कांडा दिन पर सा। बहुत याद आ रहा है तुम्हारा। अभी सुबह के 12 बजने को है और सिलगुड़ी का व्यू चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा गर्म हो रखा है सीन। जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे और हम भी इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो टाइम आ गया है। आज डेट है ट्यूसडे 9 मई 2023 एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं नेपाल राइड करने जा रहा हूँ और ये नेपाल राइड का फर्स्ट एपिसोड है गाइस। मैं अभी बता देता हूँ गाइस, ये वीडियो को दिल से पसंद आए ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो और भी सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये सीरीज जो है ना एकदम ही अमेजिंग होने वाला है। और ये नेपाल राइड ना मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे देसी भैया है उसके साथ, हम डुओ कर रहे हैं लामा लामा ब्रो। तो अभी जाएंगे भैया आगे ब्रिज में वेट कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट नेपाल ये मेरा फर्स्ट नेपाल एपिसोड है ना गाइस, ज्यादा एक्साइटमेंट में तो नहीं बोलूंगा, बट काम था ना, रात को वीडियो वगैरह एडिट किया तो सुबह को 4-5 बजे सोया ना, तो अभी कितना 12 ही बज रहा है, ज्यादा अच्छे से सोया नहीं हूँ, काफी ज्यादा टायर्ड हो रखा हूँ। अभी जस्ट मैंने फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया, पैकिंग वगैरह सब हो चुका है, बाइक में जस्ट लगाना है सामान को। इंडिया टू नेपाल यानी कि इंटरनेशनल राइड शुरू हो चुका है आज से। भगवान से मैं यही दुआ करूंगा, रास्ता जैसे भी आए, एडवेंचरस, खराब रोड, पानी, बारिश, कुछ भी आए, हम सब सह लेंगे, बिकॉज वी आर अ राइडर। भगवान से मैं यही दुआ करूंगा कि नेपाल सही सलामत पहुंचा दे और नेपाल से सही सलामत हमको घर पहुंचा दे। इतने दिन वेट करने के बाद फाइनली नेपाल का फर्स्ट एपिसोड शुरू हो चुका है गाइस। सिलगुड़ी में इतना गर्मी है ना गाइस, रोडों पे ना आप अंडा रख दो फोड़ के, कसम से वहीं पे पक जाएगा। अभी मैं पहुंच चुका हूं एशियन हाईवे के सामने, कुछ इस तरीके का अपना बेबी और फाइनली हमारे देशी भैया इज हियर गाइस। तो राइड शुरू हो चुका है, पहला नेपाल का एपिसोड और भैया का सेनेरियो तो इज हियर। राइड शुरू हुआ कि नहीं, नीचे से ना तेल की तरह पानी निकल रहा है। सोया गाइस, ये रहे हमारे आगे समधी और ऑफिशियली नेपाल राइड हो चुका है शुरू। अभी काकर भीता में भंसर बनाने से पहले ना हमको इंडियन करेंसी लेना पड़ेगा इधर कहीं से भी। आज हम लोग ना शायद 300 किलोमीटर मारेंगे, उसके बाद हम लोग गाईघाट या तो बर्दिवस के उधर रहेंगे। सर अब देसी ब्लॉगर बिग फैन, अरे माँ कसम यार, सोचा नहीं था ऐसे रास्ते पे मिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप जी? चलो चलो चलो, नजारा चेक करो बॉयस, भाई कुदरत ने क्या बनाया है भाई। हेलो एक्सक्यूज मी, सो फाइनली गाइस नेपाल इंटर कर चुकी है, ये उस तरफ इंडिया और आपका भाई आ गया है नेपाल। ओ ब्रो, चलो भाई नेपाल पहुंच गए, घर लौटते हैं। ओके ओके, खींची हाला ना यहाँ ट्रैफिक जाम होने से पहले। नो सो स्वीट, ओके लो थैंक यू भाई। अब यहाँ से जितना भी व्यू देखने को मिलेगा ना वो सारा नेपाल है। चलो भाई नेपाल तो एंटर कर चुके हैं, अभी हम लोग का जाना है काठमांडू। भाई यहाँ पे तो टोटो का रेस लगने वाला है क्या, इतना ज्यादा टोटो, बाप रे बाप। ओ रास्ता देख रहे हो क्या, मक्खन है भाई चारों तरफ, इतना स्मूथ। अभी यहाँ पे किस लिए आए, आई थिंक यहीं पे बंसर बनता है। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे यार वो सब्सक्राइब वाले बोला मैंने ये तो अरे सीधे गए ठोके, अच्छा लगे फर्स्ट इंटरनेशनल राइड मारते क्रैश हो गया। हाँ अरे सब्सक्राइब, अरे आराम से बुलाना चाहिए था यार, देखा भाई लोग बुलाए थे, हम इधर देखे भैया भी उधर रोक दिया, अचानक से क्रैश।
लाग्यो ठिकै छ होइन चल जय श्री राम। हेलो इट्स ओके कोही न कोही न होता है कभी कभी। अच्छा हुआ यहीं पे हो गया जो होना था, वो भी हाईवे पर नहीं हुआ एक्चुअली। सही बात है, जो भी करता है भगवान अच्छा के लिए करता है। चलो घर से इतना हड़बड़ी पे निकला ना, मैंने पापा को बोला भी नहीं है, तो मैं पापा को बोल देता हूँ गाइस। चलो पापा जी हमारा नेपाल राइड शुरू हो गया। ओके ठीक है, अच्छा से करना। ओके ओके पापा जी लव यू। भाई आज जिंदगी में पहली बार मैंने पापा को ना लव यू बोल दिया। पहली बार पहली बार बंदा नेपाल आया है ना, दिल से निकल रहा है। जब बेटे लोग होते हैं ना बड़ा होने के बाद ना पापा के साथ उतना अच्छा कनेक्शन होता नहीं, पर प्यार होता है दिल में जो कि हम बता नहीं सकते। हाँ, बता नहीं सकते एक्चुअली। पर आज मैंने बोल दिया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया भाई। आई लव यू पापा जी। भाई जिंदगी में कभी नहीं बोला था कसम से। तो अभी करते हैं थोड़ा सा पूजा को भी ट्राई, बिकॉज यू नो नेपाल किस लिए आया है, स्पेशली पूजा को मिलने के लिए आया है, उसको तो करना बनता है। तो पूजा को पहले कॉल करते हैं गाइस। पूजा को कॉल कर रहा हूँ गाइस, वो तो ऑफलाइन है अभी, यहाँ पे कॉल भी नहीं लग रहा अच्छे से, वो भी उसका तो नेपाल नंबर है तो नहीं लगेगा। तो हम ही क्या आया अभी नेपाल सिम कहाँ बनाएंगे, अभी यहीं आगे देखेंगे। नेपाल में इंडिया सिम नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। 1 आवर लगा, फाइनली जाके बंसर मिल चुका है गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, बंसर भी मिल चुका है और काठमांडू कल तक तो पहुंच ही जाएंगे ना दाई। लो रेडी हो जाओ, चलो पंसर बना के निकल चुके अभी कुछ इस तरीके के जगह पे, बिकॉज हमें यहाँ पे बनाना है नेपाल का सिम निकल रहा है ठीक है। और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइब आ रहा है, थैंक यू सो मच गाइस, कीप वाचिंग है। इन्डियाबाट धेरै माया छ हाम्रो नेपालको भ्युअर्सहरूलाई है। नेपालमा कस्तो हेर्छ मेरो भिडियोहरू मान्छेले? टिकटकतिर कस्तो लाग्छ डान्स भिडियो? दिल से रेस्पेक्ट है यार, हमारे नेपाल के जितने भी सारे व्यूअर्स है, लव यू, दिल जीत लिया कसम से। चलो भाई सिम वगैरह एक्टिव हो चुका है, अभी मोबाइल के अंदर घुसाना है खाली। अच्छा हुआ मैंने एंड्रॉइड फोन लेके आया, आईफोन में तो कहाँ सिम घुसाऊं क्या करूं भाई, टेंशन हो गया था मेरा तो थोड़ी देर में। अभी सिम स्पेशली क्यों ले आ रहा हूँ पता, क्योंकि पूजा से बात करना है ना, इंडिया सिम में तो अब कॉल नहीं लगेगा। देख रहे पूजा के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ भाई। और आप सबको बताऊंगा कुछ दिन पहले मैंने पूजा के लिए जो गिफ्ट लिया था ना, इसमें डाल रहा हूँ ना, काफी ज्यादा ऊंचा हो रहा कैमरे में दिखा, प्रॉब्लम दे रहा ना। तो मैंने पूजा के लिए जो गिफ्ट ले आया था इसको कहाँ पे रखवा, आटेगा वहाँ पे? अभी को नहीं हटेगा ना, तो इसके अंदर ही डाल देता हूँ, क्या बोलते हो? तो ना भैसक्यो यार, यो घामले गर्दा राइड सुरु भएको छ ना, हालत खराब भइसक्यो, पेन्टीबाट पिसाब छिन्नु आँटिसके यार। चलो जल्दी से पैसा एक्सचेन्ज करते उसके बाद निकलते। मेरे हाथ में देख रहे भाई पूरा का पूरा नेपाली करेन्सी, ये 1000 है, ये 500 है, देखो ये 100 रुपीस और ये 10 रुपीस। ये पैसा लेके थमेल जाते घुमने, थमेल थमेल बजारमा कांडा हानिदिनु पर्छ। ओम नमस्ते जय श्री राम। अब यहाँ से हो चुका है एकदम फाइनल राइड, अब यहाँ से कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जाके गाय घाट के वहाँ। मैंने तो सोचा था आज ही हम लोग ना काठमांडू पहुँचेंगे, बट इट्स इम्पॉसिबल गाइस, बिकॉज यहीं पे टाइम तो 4 PM हो चुका है। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर ना गाइस, पूरा का पूरा रोड जाम, और रास्ते पे सुनने में आया कि बकरी वगैरह आता ही रहता है, तो यहाँ से अभी आराम आराम से जाएंगे। और उसके बाद इटली से रास्ता जो है ना एकदम A1 है। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था भाई हम नेपाल आएंगे, जो भी सपना छोटे में देखा हुआ करता था ना गाइस, आज धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है। एंड ये सब पूरा ना आप ही लोग से हुआ है गाइस, दिल से शुक्रिया, मोटू से फेफड़ा से थैंक यू सो मच यार, जिंदगी भर मैं शुक्रिया आभारी रहूंगा आप लोगों का, ऐसे प्यार करते रहिए डेली ब्लॉगिंग में। ओहो हो। और नेपाल के रोडों पे ना गाइस, ये बड़ा बड़ा गाड़ी से लाइक बस से ना बच के चलना गाइस, ये लोग ना बहुत ही रफ चलाते हैं, कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी उड़ा सकता है। आप किसी कंट्री में आए हो तो आपको ही सेफली चलना पड़ेगा। अभी नेपाल में जैसे जैसे मैं आगे काठमांडू की तरफ बढ़ रहा हूँ ना गाइस, वैसे ही नज़ारा परिवर्तन कुदरत चेंज होते जा रहा है, और मजा आ रहा है देखने में राइड करने में, लाइक मौसम भी ठीक ठाक ही है। सबले भन्छ मुसेको छोरा बिग्रे भन्छ। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था ना गाइस, नेपाल आके ना हम मुस्तंग जाएंगे कि डॉट बाइक वगैरह रेंट में लेके। आई थिंक मैं डॉट बाइक नहीं ले जाऊंगा, हम अपने बाइक में ही मुस्तंग करेंगे, देखेंगे कि ये स्पोर्ट्स बाइक में कितना दम है। जब हम हो और अपना बेबी हो और साथ में देसी ब्लॉगर, तो हम मुस्तंग क्या भाई, हर जन्नत में जाने के लिए रेडी है हम लोग। मुझे इतना तो पता है ये जो 10 डेज का हम लोग का सफर है ना गाइस, ये 10 डेज के अंदर ना एक्सट्रीम एडवेंचर होने वाला है गाइस, असली नेपाल का वाइब ना गाइस पोखरा और काठमांडू में आने वाला है। ए
नेपाल का फ्लैग गाइस देखो कितना खूबसूरत है। अभी लग रहा है कि हम नेपाल में धीरे धीरे करके अंदर अंदर जा रहे। चाराली झापा के यहाँ रुके थे क्योंकि हमने ना सुबह से लगा कुछ भी अपडेट नहीं दिया था, तो इंस्टाग्राम पे अपडेट दे चुका हूँ ताकि हमारे नेपाल के व्यूअर्स को भी तो पता लगे कि हम लोग कहाँ आ रहे, क्या 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 कर रहे। तो निकलते हैं यहाँ से, जय माँ काली, आया गोरखाली। अभी ये नेपाल राइड तो 10 डेज का है ना, जब नेपाल घूम के घर आएंगे ना बाद, उसके बाद गाइस मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, अभी बता देता हूँ हम लोग लद्दाख करने वाले इसी महीने के अंदर या दूसरे महीने, ठीक है? वेट करना, मौसम काफी बिगड़ने वाला है, पहाड़ के चीड़ के रख देंगे भाई। इतने एडवेंचरस ब्लॉग बनाएगा ना आप लोगों के लिए, कसम से बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। इसलिए चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, रॉक लामा फैमिली ज्वाइन करो, कांची तिम्रो रैक ढाक 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 करो। वो मुगली देख सकते हैं गाइस, आई डोंट नो अभी कौन सा टाउन आ गया, अगर आप लोगों को ये टाउन का नाम पता है तो थोड़ा कमेंट में बता देना गाइस। देखने में तो अच्छा सिटी लग रहा है। डिहाइड्रेशन हो रहा हूँ मैं भाई, पानी का बोतल ना उधर रखा हूँ, अभी थोड़ी देर में पियेंगे। ओह खूबसूरत गाइस, ये चेक करें कहाँ आ गए हम, पूरे का पूरा नदी के बीच में ब्रिज, ब्रिज का क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं दूसरे टाउन। पता नहीं अब यहाँ से और कितने कितने टाउन आएंगे, और यहाँ से नेपाल का मोनेस्ट्री वगैरह काफी अच्छा दिख रहा है वो दूर दूर। ये भी पहाड़ी इलाका है पूरा का पूरा, देख सकते हो उधर सेनेरिते का क्या भगा रहा है भाई देसी भैया। और गाइस मैं सोच रहा हूँ अपना बाइक का ना एक नाम रख दूँ, प्लीज गाइस कमेंट में सजेस्ट कर देना। और काफी सारे लोग ना वीडियो में देख के रियल लाइफ में मिल गया ना, काफी डिसअपॉइंट वगैरह होते हैं कि रॉक भैया आप जैसे वीडियो में हो वैसे नहीं हो रियल लाइफ में। वीडियो वीडियो होता है, रियल लाइफ पर्सनल लाइफ होता है गाइस, कभी खुशी कभी गम चल रहा होता है ना। और गाइस क्या ये नेपाल फर्स्ट एपिसोड वीडियो पे 50 के लाइक्स हम कर पाएंगे, प्लीज दोस्तों कर देना, इट्स माय रिक्वेस्ट। अगर 50 के लाइक कर दोगे ना तो मुझे दिल से अच्छा लगेगा। पूजा मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, काठमांडू फाइनली, उड़े माकत जा मला होने। तो ये जगह देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, पता हो तो बताना नाम क्या है क्या नहीं। आई थिंक हम लोग टाउन पे आ पहुंचे, काफी ज्यादा हवा आ रहा है गाइस। अरे माँ, ओहो पेट्रोल खत्म, क्या प्रॉब्लम है? अरे बड़ा इसका तो सांस ही नहीं चल रहा है, फेफड़ा काम नहीं कर रहा है। पता नहीं जगह कौन सा है, और भैया का सेनरी तो ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। लड़का को लेकर आए और जूता, थैंक यू सो मच, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है स्कूटी। हाँ जी भैया, हेलो, थैंक यू सो मच। काठमांडू गईघाट डॉक्टर जी ना सेनरिता को लेके अपने दुकान में लेके जा रहे, इसका शायद प्लग चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई इतना ऑपरेटिंग कर चुकी है, आप कहाँ कहाँ नहीं ले गए, तो इसका सांस तो छोड़ेगा ही ना बेचारा, या फिर हमने ठोका बोल के गुस्सा हो गया कल आज रात को ना, इसको बोलते उसको ठोकने के लिए, ठीक है साला। ओ नेक्स्ट डे देखेगा दोनों का दो बच्चा। तो कसम से तार राइड ना बहुत ही क्रेजी और फोकस और रेस्पॉन्सिबल राइड हो रहा था दो भाई का, सैनरी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, अभी देखते क्या हुआ। ये मेरा बार बार मेरे को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है गाइस, इसका कुछ करना पड़ेगा। इधर पे भी ना गाइस लोग आ रहे एक दो जन मिलने के लिए, आई एम सो हैप्पी दैट यहाँ पे भी लोग पहचानते हैं मुझे। आज क्या क्या हो रहा है हमारे साथ यार, दिन ही खराब है। सैनरी का काम होते रहेगा, मैं ना पूजा से बात करता हूँ गाइस, वो ऑनलाइन आ गया ना। पूजा कैसा खबर? हम लोग निकल गए घर से नेपाल, अभी कहाँ पे धमक झापा बोल के जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। धमक पे हो तुम लोग? धमक? ओए आज तो काठमांडू, आज तो काठमांडू नहीं आ पाऊंगा, आज शायद हम लोग ना वो गायघाट में बैठेंगे हम। और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हुआ, आई होप तुम्हें पसंद आएगा, वीडियो में देखा तुमको क्या बताए आज क्या क्या हमारे साथ हुआ है। क्या हुआ? अरे बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि हम वहाँ आके बताएंगे ना तुमको। सेनेरिता स्टार्ट हो गया गाइस, देख सकते हैं ये भैया के साथ आ रहे हैं हम, ये देखो देसी भैया। हाय। ए अच्छा देख, नहीं देखो तुम नहीं। आपका बुआरी? बुआरी? ये तो मेरी बुआरी। अरे मजा कर रहे हो, मजाक नहीं समझते हो तुम। एक्चुअली बता दूं तो तुम्हारे साथ ना इतने दिनों बाद बात करके ना दिल खुश, फेफड़ा उदास हो गया। कहाँ दूसरा दूसरा लड़के के साथ यार, दिन ना रात तुम्हारी यादों पे हम पागल होके बैठे हुए थे। फाइनली आरसी मिल गया, अभी नेपाल राइड शुरू हो गया, कल तो हम पहुंच जाएंगे सीधा काठमांडू। घर पे रखोगे ना तुम्हारे? मैं तो
इसका तो घर ही नहीं है गाइस, हम क्या करें अब, नेपाल जाके ना इसको उठा के इंडा ले आते हैं। भाई सच्ची में, हाँ देखो भाई, हम बातों बातों में हम नेपाल आ भी गए, अब काठमांडू कॉल पहुंच जाएंगे, इसको ना हम उठा के इंडा ना लाए ना तो नहीं लाए, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, हम राइड करते हैं फिर, लेट हो रहा है तो वैसे भी। ठीक है, बाय पूजा, बहुत याद आ रहा है तुम्हारा। ल बाय, थैंक यू सो मच दाई। ल यो कुन चाहिँ जग्गा भन्नुभयो? ताराबारी। दिल से शुक्रिया, एक्चुअली ना भैया मिलना चाहते थे हम, बोले स्पेशली थैंक्स टू सेनरिता जो यहीं पे खड़ा हुआ उसके घर के बगल पे, और भैया अभी सपने में है पर कोई सपने बहुत सपने। और नेपाल काठमांडू पहुँच के किसको लेके आऊँ? इंडिया बुहारी को ल्याउन लानु पर्छ, लानु पर्छ, हाम्रो बुहारी लानु पर्छ। ओके, ओए होए होए होए, क्या नजारा है भाई, दिल पिघल गया ये नजारा को देख के। जय नेपाल, आई लव यू पूजा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने काठमांडू। जय नेपाल, माँ कसम बहुत ही खुश लग रहा भाई, दिल खुश, थोड़ा खुश, कितनी खुश, सब कुछ खुश, बिकॉज ये मेरा सपना था नेपाल राइड करने का, जो कि आज पूरा हो गया। रियली थैंक यू टू माई रॉकलमा एवरी वन फैमिली माई रॉकलमा फैमिली, थैंक यू सो मच यार, ये नेपाल राइड मेरा ड्रीम सपना पूरा करने के लिए। जे गर जसो गर जता सुके लै जाऊ मलाई, यो मन ता मेरो नेपाली हो। जय नेपाल। सेट गाइस, सेनरी तो फिर से प्रॉब्लम दे रहा, क्या हुआ? फिर से प्लग गया सेनरी तो, क्यों ऐसा कर रही हो? भैया थोड़ा सा प्लग चेक कर सकते हैं क्या आप? आपको हवा खाली भरते है। गैरेज कहाँ पे? कितना दूर है? 3 किलोमीटर। हे भगवान, प्लीज भगवान, ये राइड को सही सलामत हमें घर पहुंचा दो। के करने समझी? कुछ तो हुआ है, अंदरा भूणी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसका, पता है फेफड़ा ठीक है इसका। सेनरिता फिर से सांस लेना छोड़ दिया है, तो मेरा बाइक में जितना भी सामान वगैरह था ना उसको मैंने उतार के यहाँ पे रख दिया हूँ। सेनरिता यहाँ पे रख रही है, भैया बाइक लेके जा रहे, वो गैरेज वाला का भाई को ना बुला के लेके आएगा, यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहे। हालात खराब, पता नहीं क्या हो गया। सेनरिता यार कभी तो ऐसा नहीं करती थी, आज क्या हुआ तुमको? चलो आराम से जाना भैया। अय्या बजरंग बोली, मैं तो पूरा थक गया गाइस, थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करता हूँ। यही है जिंदगी, जिंदगी के खोज में निकले गाइस, देखते हैं कहाँ तक जाता है, वहीं तक हम जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ ना, गाड़ी वगैरह से ना आदमी ऐसे ऐसे करके देख रहा, मानो भूत देख लिया। और यहाँ पे मैंने देखा लड़कियां भी भाई क्या चलाती है बाइक, खतरनाक। जय नेपाल। अय्या वो देखो हमारे हीरो आ रहे, हमारे बहू बोली। डॉक्टर जी इसका अंदर भूड़ी निकाल के देखे तो हुआ क्या है? क्या प्लग गिरा दिया भैया आपने? ऐसा मत बोले ना भैया प्लीज। भैया स्क्रू वगैरह तो लेके आए ना गाइस? जो मेन प्लग था वो भैया भी गिरा दिया शायद। एडवेंचर ही एडवेंचर हो रखा है भाई। इसमें टूल बॉक्स नहीं है? उसमें अभी जस्ट चेंज कराया, डुप्लीकेट लगा दिया बोल रहा है। तो ये अभी देखो ओरिजिनल लगेगा, ये देखिए ना क्वालिटी, इसका क्वालिटी देखिए, इसका क्वालिटी। किस लिए गले? तकलीफ दे रहे हम आपको? नहीं नहीं, अरे तकलीफ नहीं, हम तो खुश है भाई कसम से। आप किसी दूसरे कंट्री में जाओ एकदम आराम से राइड करके आओ, उसमें मजा नहीं है ना? मजा इसमें है। इसमें मैं बताता हूँ, बार बार प्रॉब्लम ना हो, ना हो, ना हो। प्लग का गुला खराब हो गया, प्लग का गुला खराब हो गया बंद रहा। ठीक है, हाँ काठमांडू तक नहीं जाएगा गाड़ी। अच्छा ठीक है, ना तो चलिए उसको कुछ देखिए टाइट कर दूंगा, ना तो प्लग निकल जाएगा, फिर प्लग हो जाएगा। अच्छा वही हो रहा है क्या अभी? तो चलो आपके गैरेज में चलते ना, अभी टाइट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम वही है ना, वही है, प्लग का गुना खराब हो गया, उसके लिए इंजन खराब पड़ेगा।
आज नहीं बनेगा, आज नहीं बनेगा, खुलेगा तो आज नहीं बनेगा। जो नहीं सोचा था वही हो गया गाइस। भैया का बाइक ना, अब बोल रहे वो गैरेज वाला भैया, स्कूटी को ना एक दिन लगेगा बनने में। भैया का स्कूटी लेके आगे गया, पहले वहाँ जाके बात करते हैं। हम लोगों को ना इटरी जैसे भी पहुंचना है, बिकॉज वहां पे ना टीवीएस का शोरूम है। हमारे देसी समधी बोल रहे हैं कि सेनोरिता ना गाइस पहली बार ये लॉन्ग राइड में ना इतना ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, क्या करे, काफी ज्यादा टेंशन में आ गया भाई। और ये जो जगह है ना गाइस, देखने में ना सेबोक की तरह लग रहा है हमारे सिलगुड़ी का। यहाँ से दूर दूर तक पूरा जंगल ही जंगल है। अभी हम ये दादा के गैरेज में पहुंच चुके हैं, दादा देख रहे हैं। मैं तो पूरा टेंशन में आ गया ना, मेरा सूट बूट पूरा खोल के इधर रख दिया था गाइस, बट यहाँ पे हमारे दादा ने ना भरोसा दिया है कि भरोसा दिया हम गायगढ़ और काठमांडू आराम से पहुंचेंगे बोलकर। कसम से पूछो। ओ भैया सच में, इधर देखे तो ये भैया बोल रहे गाइस, अगर पहुंच गए ना, सॉरी अगर पहुंच गए ना भाई, भैया के लिए ना एक अच्छा सा कमेंट में कमेंट होना चाहिए, और आके जरूर मिलेंगे भैया से। काठमांडू तक अगर पहुंचा दिया, माँ कसम भैया आप भगवान के रूप में आए हैं। होप फॉर द बेस्ट गाइस, हम काठमांडू पहुंच जाए, क्योंकि गाइस पूजा से मिलना है कल ना। पूजा से मिलने के लिए देखो क्या क्या बाधा आ रहे हैं, मतलब इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है पूजा से मिलने। बस आने के लिए पैकिंग कर ही रहे थे गाइस, एक छोटा सा प्यारा सा हमारे सब्सक्राइबर आए हुए से। हाय भाई, क्या है आपका नाम? सुरिन श्रेष्ठ। कहाँ से? पथरी। ओके, वीडियो देखते हो? एकदम, थैंक यू सो मच। सुबह निकले थे, अभी रात हो गया है, और ये जगह का नाम कानी पोखरी है। और यहाँ से आज का जो हमें स्टे करना है ना, वो यहाँ से 110 किलोमीटर है, लगभग 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। अभी रात हो गया ना, तो आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि यहाँ का बड़ा बड़ा गाड़ी ना इतना स्पीड से आ रहा है ना, मेरा पूरा डर लग रहा है भाई। सच बता दूं, जब से हम लोग नेपाल पहुंचे हैं ना, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एक्सीडेंट हुआ दोनों का, फिर वहीं पे टाइम इतना वेस्ट हुआ, फिर भैया का स्कूटी इतना 2-3 बार प्रॉब्लम। अब क्या पता भगवान हमें रुकाना चाहते हैं थोड़ा सा, इससे आगे इससे भी खतरा हो कि ना हो बोल के हम लोग कहीं इधर ही रुका दिया, ये भी हो सकता है। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अभी तो रात भी हो गया, आप लोगों को अच्छे से जगह दिखा नहीं पाऊंगा गाइस, बट यहाँ से तो हल्का हल्का व्यू मिल रहा है, एकदम सेक्सी रापचिक। अभी हमारे समधी अपने सेनोरिता पे फुल पेट्रोल करा रहा है, और यहाँ का पेट्रोल का रेट देख के ना भाई मेरा दिमाग बौखला गया भाई, ऐसे तो गरीब हो जाएगा। 175 लीटर फुल कर दे, फुल भाई साहब 175 रेट 3200 एक भैया, ठीक है। ये अपना जो निंजा है ना गाइस, मैंने इंडिया से कैश कितना 4,14,000 में खरीदा था, और नेपाल में कितना पड़ता है 10 लाख से ऊपर, 135% होगा तो 12 लाख में तो उधर सुपर बाइक आ जाएगा, 1000 सीसी का, 1000 सीसी का G900 आ जाएगा भाई साहब। ये अपना बाइक जो है ना गाइस, नेपाल में 12 लाख, यानी कि हमारा बाइक सुपर बाइक, हम तो पहले ही बोलते थे हमारा बाइक सुपर बाइक है, कोई बिलीव ही नहीं करता था। ऐसा लग रहा है कि हम काठमांडू पहुंच गए यार, वो देखो ना भाई लंदन की तरह स्टैचू वगैरह दिख रहा है। तो अभी का सीन ये है, आधे घंटे से ना गाइस ये पूरा का पूरा जंगल एरिया में हम लोग चल रहे हैं, और काफी ज्यादा डर लग रहा है मेरे को। आई होप कि जंगली जानवर रोडों पे ना निकले यार, काफी ज्यादा नाम सुना था धरन का, फाइनली आ गए बट आए नहीं है। यहाँ से राइट जाओगे तो सीधा उधर धरन है, और हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे गायघाट। अपरोडिंग रामरी दे अन्त भयो क्या, म त के नै डेड हुँदैछ, अच्छा नोज ब्लिडिङ क्यों, क्या गरे अब त चाय ब्रेक ले लेते हो, अभी तो नॉन स्टॉप मार ही रहे थे ना हम लोग लंबा, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते। कोसी ब्रिज मस्त है आई थिंक, अभी हम लोग पूरा पहाड़ी राइड कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। सो यार गाइस, काफी लंबा राइड करने के बाद हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा कॉफी ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे कॉफी और पॉपकॉर्न मार रहे हैं हम दोनों चुस्की नेपाल के अंदर। सच बताओ ना गाइस, ये जितना भी लंबा राइड हो रहा है ना, एक बार भी मैं टायर्ड फील नहीं कर रहा हूँ, और मजा आ रहा है ना, तो एक्साइटमेंट से भरा पड़ा है ना इसलिए। और रात नहीं होता ना तो और भी खतरनाक दिखता है ये पूरा, हम ना अभी माउंटेन के अंदर है गाइस। गाना बज रहा, कॉपीराइट आएगा, पहले चाय का चुस्की मारते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई दाईघाट पहुंच गए फाइनली गाइस। होय होय, ये घड़ी देखो भाई कितनी स्वीट लग रही है, और घड़ी के अंदर ना नेपाल का फ्लैग है, और भी खूबसूरत। सो गाइस हियर इज माय पापा, हेलो।
पहुंच गए हैं तो अभी हम लोग नेपाल गायघाट जगह पे पहुंचे हैं, कल काठमांडू सीधा। धीरे से जाना है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। ओके पापा जी। फाइनली गायघाट पहुंच गए हैं, हमारे देसी भैया के, भैया और भाभी के घर पे है। कौन है मैं आपको सुबह मिलाता हूँ क्योंकि वो लोग सो गए हैं। आज का जितना भी सारा ब्लॉग बना गाइस, अभी यहाँ पे फाइल वगैरह ट्रांसफर करेंगे और एडिट करेंगे, और एडिट करते करते तो सुबह के 4 तो बज ही जाएगा। फिर कल से काठमांडू का सफर, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और आज का जो भी था मजा आया ना भैया? एडवेंचरस राइड था यार, मतलब हालांकि डिस्टेंस वाइज हमने काफी कम, लाइक 250 किलोमीटर, कम तो नहीं कहूंगा, बट काफी हेक्टिक, गर्मी से परेशान, ऊपर से सनरिटा ने मतलब दिमाग चाट लिया था एक्चुअली। ये नेपाल का फर्स्ट एपिसोड, अगर आपको कहीं से भी पसंद आया ना गाइस, दिल से लाइक से सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जो दुख हो रहा है ना अभी मेरा पीठ, हम कोई मैं ही फील कर सकता हूँ। और पर जो भी हो, रात का ये जो भी रास्ता था ना, बहुत ही स्मूथ, मक्खन, हम जल्दी भी। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, एडिट करेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। कांची तीन बड़ा रैक रैक ढक ढक ढक। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते, बहुत कुछ बयां।